दोस्तों हिंदू धर्म के सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव हैं। वे कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए मनुष्य क्या, देव क्या, दैत्य क्या, असुर क्या, पशु पक्षी क्या, सभी एक समान हैं। जिन लोगों पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिव जी के हृदय में अगाध प्रेम है। इसी कारण उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। इसी नाम से पूरी दुनिया में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। इस मंदिर को केदारनाथ धाम के समान ही महत्व दिया जाता है। दोस्तों हाल ही में पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें लोग कलयुग के अंत और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से जुड़कर देख रहे हैं। इस मंदिर के शिवलिंग में, इस मंदिर के रीति रिवाजों में कई ऐसे रहस्य और कथाएं छुपी हुई है जिनके बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होने वाली है। दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मेरी नजर इस मंदिर के कुछ ऐसे पहलुओं पर पड़ी जिनके बारे में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक पंच मुह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुह और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वाम वेद या फिर अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के चार दरवाजे बनाए गए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु की योनि नहीं प्राप्त होती। हालांकि शर्त ये है कि शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु नहीं बनना पड़ता। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों में काफी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर के पूर्व में बागमती नदी के दाहिनी किनारे पर विरूपाक्ष की एक मूर्ति स्थित है। विरूपाक्ष का आधा शरीर जमीन के अंदर और आधा शरीर बाहर है। माना जाता है कि मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर मूर्ति पूरी तरह बाहर आ जाएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। विरूपाक्ष को कली भी कहा जाता है क्योंकि उसके पूर्ण उदय से कलयुग का अंत हो जाएगा। विरूपाक्ष काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। इसे किरातेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। किरात लोग विभिन्न प्रकार के हैं और इसलिए उनकी मान्यताएं और देवता भी अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में विरूपाक्ष के रूप में विरूपक्ष की पूजा होती है। दोस्तों नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी कि जीवन का मालिक या जीवन का देवता। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र वध कहते हैं। उनको अपने करने का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों को अपने आसपास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके
उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इसी भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लिप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनका मस्तिष्क गिरा और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख कहा जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा, बैल के आगे की दो टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। दोस्तों, उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं सात चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को इंसानी शरीर की तरह बनाया गया है। यह एक महान प्रयोग था जिसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ दो शरीरों का शरीर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है, जहाँ पूरे नेपाल की ओर एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित है। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर से 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गुजर कहते हैं। परिसर के भीतर दो गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। तो मित्रों, आपकी आज की इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.